रहता है। इसमें एक बड़ा, ये अभी ये 500 पीस का है गुब्बारों का। दोस्तों ब्लॉग पूरा शूट हो गया। ब्लॉग के अंदर अपनी लीज आना हो कि हे गाइस वेलकम टू बैंक माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। दोस्तों आज हो रहा है होम क्लीन, पूरा रूम की सफाई वगैरह हो रही है। सारा यहाँ से टेबल टूबल हटा के वो किया है भाई। ये है हमारे दहेज का टीवी, अब इसको भी चेंज करने की बारी आ गई है। फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हर चीज़ को अपग्रेड करना चाहिए। यहाँ पे भी सारा सामान बिखेर रखा है। सारा सामान एक कैट का फूड है, ये भी अपना उसका खाना वाना है, और लेटर बॉक्स ये उसका कैच है, ये लीजा की बोले हैं। अभी सामान दोस्तों ऐसे बिखरा हुआ तो अभी अच्छा नहीं लगा। ये अपना 1 मिलियन यूट्यूबर, तबीयत ख़राब हो गई इसकी होली से पहले भाई। बैलून बैलून मार रहा, पानी में हाथ भिगो रहा, वारा मना करने के बावजूद भी ये बीमार पड़ गया, नकली पतंगबाज। दोस्तों आप भाइयों को इतना प्यार इतना सपोर्ट मिला, जो बेटे ने जो अपना 15 अगस्त पे हमने वीडियो शूट किया था, शॉर्ट वीडियो भाई, उस पर 2 लाख से ऊपर व्यूज़ आ गए, तो थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाता हूँ, ठीक है भाई। निकलने की जगह भी नहीं है, तो हो गया क्लीन सारा। दोस्तों ये डायरी पे कुछ लिखा था, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ये भी वीडियो में कैप्चर करता हूँ। ये अपना क्या लिखा जरा पढ़ के बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ दोस्तों ये बेटियों को जितना हो सके उनको बेटों की बराबरी देनी चाहिए कि वो भी लाइफ में अपनी प्रोग्रेस कर सकें। लड़के लड़की एक समान मान के चलो भाई, आजकल तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं हर एक फील्ड में। लड़कियां बहुत अपना नंबर वन देती हैं, बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है लड़कियों की, चाहे एजुकेशन ले लो चाहे किस, तो लड़कियाँ अव्वल नंबर पे हमेशा रहती हैं। दोस्तों ब्लॉग पूरा शूट हो गया। ब्लॉग के अंदर अपनी लीजा ना हो, क्यूटी लीजा, तो ब्लॉग अधूरा सा रहता है। अभी अभी इसको रूम में देखना है, तो लीजा स्लीप अपने टेडी बियर के संग, ये इसका क्यूट सा टेडी बियर है, क्योंकि ये भी बच्चा ही भाई, से अकेले नहीं छोड़ते हम, या तो नाइट में हमारे साथ में सोती है या सोते में इसको टेडी बियर रखना पड़ता है, क्योंकि सोते में अक्सर ये डर जाती है, तो साथ में कुछ ना कुछ छोटे बच्चों के रखना चाहिए। हम इसके साथ में रखते हैं टेडी बियर। देखो दोस्तों जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा, सब प्यार के भूखे होते हैं, तो इनको प्लीज़ ज़्यादा हेड मत किया करो यार। सबके घर में पालतू कैट वगैरह होती है, तो मैं एक आप भाइयों से बात शेयर करना चाहता हूँ, दिल की बात है। दोस्तों अगर किसी की पालतू कैट या डॉग किसी के घर में चला जाता है, प्लीज़ उसको हिट या मारो मत, या तो प्यार से भी भगाओगे तो वो चला जाएगा। मैंने मोस्टली देखा है कि हमारी कैट भी अड़ोस पड़ोस में किसी के घर चली जाती है, तो वो सीधा उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो भाई जानवरों पर अटैक मत करो, ये मुँह बिना जुबान के जानवर होते हैं, मुँह से कुछ नहीं बोल सकते, मगर ये दिल से बड़ी हाय देते हैं। तो प्लीज़ यार सब जानवरों को एनिमल्स को लव करो यार, इनको हेट मत करो, और जितने भी पालतू तो एनिमल्स होते हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही किसी को इनसे ख़तरा है, तो इनको यार मतलब नुकसान मत पहुंचाओ। ज़्यादा तुम्हें वो है तो एक दफ़ा इसके ओनर से बोल दो, तो ओनर आगे से ध्यान रखेगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने अपनी लीजा को छोड़ा था, वो छत की तरफ चली गई थी, तो छत पे तो चली गई थी भाई, तो आई तो उसकी टांग में चोट लगी हुई थी। 100% यार जानवर तो मतलब मुंह से बोले ना, इशारे से तो बता ही देता है कि उसको किसी ने मारा है, ठीक है। तो बस यार इतना कहना था अपने भाइयों से, और ब्लॉग में बने रहो। अभी अपना जाना है मार्केट, हो सका तो मार्केट में थोड़ा ब्लॉग बनाऊंगा, आज थोड़ा होली का सामान परचेस करके लाना है बेटे के लिए, क्योंकि बच्चों का ये यार होली का त्यौहार, तो मैंने कहा चलो थोड़ी शॉपिंग करा दूँ अपने बेटे को,
हो सका तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा, पॉसिबल नहीं हुआ तो ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, तो घर पे आगे रिवील करूंगा क्या क्या लिया है क्या क्या नहीं लिया, ठीक है, बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस अपना रूम तो पूरी तरीके से क्लीन कर दिया और अभी हम कहते हैं कुछ टाइम के लिए बाजार, तो बाजार से लाए थोड़े बहुत होली का सामान, दिखाता हूँ क्या क्या उसमें, कुछ कलर्स हैं, कुछ क्रैकर्स हैं रंगों वाले क्रैकर्स, तो देर न करते हुए दिखाता हूँ, वेट। तो दोस्तों ये हैं अपने कुछ क्रैकर्स, ये कैप्सूल कलर होते हैं, ये जो है कैप्सूल बैलून्स के अंदर डाल के चलाए जाते हैं, ठीक है। और ये है अपनी एक डोरेमोन की पिचकारी, और दोस्तों ये अपना जो है आइस, ये पानी में डाल के आइस बन जाता है, हाँ, ये मतलब एक पूरी को वो कर देगी, जमा देगी आइस की तरह, फिर मारो बड़ी तेज लगती है। अच्छा ये दो पिचकारियां लाया मैं अपने कजन के लिए, अच्छा एक ये पिचकारी के लिए और एक भाई के लिए। ओके ये स्टैंडर्ड का हर्बल गुलाल है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, बड़ा सॉफ्ट है ये, दिखाना इसको खोल के दिखाना, ये देखो एकदम पाउडर की तरह पूरा भैया, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आ रही है, स्मेल बड़ी प्यारी है, इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी आ रही है। ये अभी 500 पीस का है गुब्बारों का, पर लग नहीं रही 500 पीस होंगे यार, ये पतले है ना, छोटे छोटे बैलून है, ये 500 पीस होंगे, ये दो पैकेट इसके लिए आए, हाँ ये तो। और ये अपना ये वाटर कलर है, ये पक्के कलर वाटर कलर, और मैंने टेस्ट भी करा, मैजिक रू रंग, देखो मेरे हाथ पे भी लग गए, ये जो कलर है ना एकदम पक्का है, देखो मैंने दुकान पे भी टेस्ट करा, इतना पक्का कलर है ये, उंगली तक चढ़ गया। अच्छा जी बहुत पक्का कलर है ये, मस्त की तोता ब्रेड का, वाव गुलाल, जॉय गुलाल, सॉरी नॉन टॉक्सिक है और कोई स्किन पे एलर्जी नहीं होगी और एकदम ठंडा रखेगा बॉडी का, और फ्रेग्रेंस भी अच्छी है इसकी बहुत। ओके और कलर स्मोक क्रैकर से, ये स्टैंडर्ड कंपनी का, ये पटाखों की लड़ी नहीं है, ये ऐसे गुलाल निकलेगा फटेगा ये। अच्छा ये बहुत से दूसरी चीज हमारे पे स्मोक कलर है, ऐसा है ये, ऐसा कुछ दिखता है फूल के दिखने को, ये भी स्मोक क्रैकर से है एक तरीके से, हाँ इसको हाथ पे नीचे लाना होता, नीचे रख के एकदम जला दो जल जाए, खूबसूरत चीज अपनी ये, ये तोता की गुलाल गन, तोता कंपनी की गुलाल गन भाई, ये है देखो इसके संग ये दो पैकेट गुलाल के मिले हैं, इसको आपको खरीदना है तो खरीद लेना तोता की वेबसाइट से, और इसमें बड़ी भी थी, हमने बड़ी भी ली छोटी ली थी क्योंकि बड़ी ये, अच्छा ये कलर का इसके अंदर फ्री दिया हुआ है, ये दो फ्री गुलाल के पैकेट है। ओके रिफिल भी कर सकते है खत्म हो जाए तो। ओके और हमें ये 300 MRP है, आप बार्गेन करके सस्ती लगवा सकते है। ओके और बस यही है आज का। तो दोस्तों फिलहाल तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या हमने परचेस किया है और कितने का कहां से लिया है, फिलहाल तो अपने नियर बाय अपना मार्केट, अपना मंगल बाजार करके मार्केट है, हमने वहां से वी चौक मार्केट है, हमने वहां से लिया है, तो आप भी अपने नियर मार्केट से ले सकते हैं, तो तकरीबन मोस्टली हर मार्केट में अवेलेबल है। फिलहाल तो हम दोनों की तरफ से एडवांस में हैप्पी होली, और हमने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उधर बहुत भीड़ थी और दुकानदार भी अलाउ नहीं करता, दुकानदार अलाउ नहीं करता, बहुत भीड़ थी, मतलब उनको अपना सामान बेचना है, फिर अपना कंटेंट के लिए उनको डिस्टर्ब करे, भाई ये कितने का वो कितने का है, तो संडे का दिन वैसे था काफी भीड़ थी। फिलहाल आपको ये शॉर्टली ब्लॉग पसंद आया हो तो क्या करना, लाइक शेयर कमेंट, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और होली तक 1000 सब्सक्राइबर करवा दे, फिर होली पे एक बहुत बड़ा धमाका मिलेगा, बंदा गिवे देगा अपनी तरफ से, ये वो भी सिलेंडर का, गुलाल सिलेंडर का, 3 लाख व्यूज हो गए तुम्हारे तकरीबन, है 3 लाख व्यूज तो हो गए, उस पे 1 मिलियन करवा दो फिर मैं गुलाल गिफ्ट कर दूंगा सबको, गुलाल सिलेंडर। ये बहुत अच्छा वीडियो, मतलब शॉर्टली वीडियो बनाया, वो काफी चला है, फेमस हो गया उसी से हमारा, मतलब यानी कि उसी से यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ है, वही ग्रोथ उसी, मतलब उसी वीडियो से ग्रो हुआ है, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 200 लाइक्स कंप्लीट कर दो, 200 लाइक और सब्सक्राइब कर दो, 1 लाख व्यूज कर दो दोस्तों इस पे फटाफट से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, 10K ब्लॉग, ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, सी यू एडवांस में, हैप्पी होली, सी यू।